Bismillahirrahmanirrahim. In the last lecture, we have discussed about first part of mammalian digestive system, and that was oral cavity, its initial steps, and overall summary. हमने peristalsis और segmentation ये दो points भी discuss किए. इसके अलावा sphincters और valves का difference, plus gastrointestinal motility and its control. In oral cavity, in last day we have discussed about teeth. Their arrangement and their types, as well as dental formula of human being, it was discussed. In today's lecture, we are going to have some discussion about functions of oral cavity with respect to its enzymes, as well as remaining parts of digestive tract. They will be discussed also. As you know, that oral cavity, other than mechanical digestion, is also involved in chemical digestion of the food. और वो chemical digestion of food में कौन-कौन से जो वो chemicals involved हैं, वो enzymes हैं बेटा कुछ. There are three pairs of salivary glands which add saliva or salivary secretions into the oral cavity. The largest one is parotid gland, as you can see, just beside in on the lower side of the ears. दोनों sides पे हमारे पास ये पैरोटिड ग्लैंड का एक पेयर मौजूद होता है. लार्जेस्ट नाउन ग्लैंड आउट ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड. स्लाइवरी ग्लैंड में से ये लार्जेस्ट पेयर है बेटे. देन सबलिंगुअल, जस्ट बिसाइड द टंग, ऑन द लोअर साइड ऑफ द टंग जो पड़ा होगा, सबलिंगुअल का पेयर है. और उसके बाद बेटा सब मैंडिबुलर, जहां पे हमारे लोअर जा की मैंडिबल की पोजिशन है, ऑलमोस्ट उस जगह पे. बाद जगह पे सब मैंडिबुलर को सबलिंगुअल भी लिखा जाता है. अगर इनकी आप सिक्रीशंस को देखें, तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन है, सिक्रीशंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इट इज एडेड इन द ऑरल कैविटी फ्रॉम द अपर साइड थ्रू अ डक्ट. ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना, डक्ट ग्लैंड्स, तो एक डक्ट के थ्रू अपर पार्ट में आ रही होगी. जबकि सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, ये लोअर साइड से अपनी सिक्रीशंस एड कर रहे होंगे ऑरल कैविटी के अंदर. तो इनके सिक्रीशंस में है क्या, जरा नोट कीजिएगा. बेसिकली तो ये अमाइलेज एक एंजाइम, कुछ वाटर, म्यूकस और कुछ आयंस वगैरह सिक्रीट कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग सम लाइसोजाइम एज वेल. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज कुड बी देयर. पैरोटिड ग्लैंड टोटल सलाइवा में से 20% सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, व्हाइल मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन इज रिलीज्ड बाय सबमैंडिबुलर एंड बक्कल ग्लैंड्स. बक्कल ग्लैंड्स वो हैं जो कि हमारी चीक सेल्स के साथ मौजूद हैं, बक्कल सेल्स. बक्कल कैविटी बोलते हैं जो टीथ और चीक सेल्स के दरमियान कैविटी है. वहां पे चीक सेल्स को हम बक्कल सेल्स कह रहे हैं. सबमैंडिबुलर और बक्कल सेल्स से 75% सिक्रीशन आती है, जो कि मिक्स्ड होती है, जबकि 5% सिक्रीशन जो है वो रिलीज होती है बेटा सबलिंगुअल ग्लैंड से. सबलिंगुअल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ 5% सलाइवा. पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन में एक चीज नोट करनी है, इट लैक म्यूकस और म्यूसिन, बट इट कंटेन्स एंजाइम्स एज वेल एज आयंस. और इसका जो कंट्रोल है, क्रेनियल नर्व जो हमने पढ़ी थी उसमें ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व वो इसको जो है वो रेगुलेट कर रही होगी. ऑन द अदर हैंड, सबमैंडिबुलर इज कंट्रोल्ड बाय फेशियल नर्व. इट कंटेन्स म्यूसिन प्लस एंजाइम प्लस आयंस. But secretion of sublingual gland, it does not contain amylase. इसमें just mucin होगी और facial nerve के through जो है इसका control है. अगर secretions देखें तो parotid gland की secretion ज़्यादा watery है. Serous saliva like fluid है, it's more watery serous. बस saliva like ही होगा ये भी. लेकिन इस saliva के component में इसको serous fluid को लिखा हुआ है. More watery concentration जो है वो. Moderately viscous है submandibular, जबकि more viscous secretion होती है हमारे पास sublingual gland की. So saliva के components लिखे हुए, it may also contain other than mucus and amylase enzyme, ptyalin enzyme. Amylase को यहाँ पे ptyalin भी कहते हैं. और इसके अलावा क्या चीज मौजूद हो सकती है saliva में, it may have bicarbonate, buffering chemicals के तौर पे जो act करता है, as well as thiocyanate ions, the enzyme lysozyme, which are acting as antiseptic activity, showing antiseptic activity or killing microbes in the saliva. It also contributes
an enzyme amylase, which is also known as tyalin. Amylase जो यहाँ पे produce होता है उसको tyalin का नाम भी दिया जाता है और tyalin का literal meaning saliva ही है, salivary secretions ही है बेटे जो यहाँ से produce हो रही हूँ. Next portion है हमारे पास pharynx and esophagus, air and swallowed food. They pass through the common crack, common opening that's known as pharynx. और एयर जो है वो डायरेक्ट किया जाता है उसको ट्रेकिया की जाने, ये ट्रेकिया लेरिंग्स उसकी तरफ, जबकि फूड वो डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स एसोफेगस. अब ये जो स्वेलिंग प्रोसेस है, स्वेलिंग प्रोसेस एक इनवॉलेंट्री है प्रोसेस. स्टार्ट में इसकी स्वेलिंग स्टेज जो इनिशियल स्टेज है ऑरल कैविटी के अंदर, जिससे हम कहते हैं कि टंग की मूवमेंट या हमारे जो फूड बोलस की मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द फेरिंग्स, उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ स्वेलिंग, स्वेलिंग और डीग्लूटिनेशन, डीग्लूटिशन, स्वेलिंग और डीग्लूटिशन प्रोसेस की फर्स्ट फेज वॉलेंट्री है. वंस इट गेट्स इनटू द फेरिंग्स, तो स्वेलिंग की सेकंड स्टेज होती है फेरिंग्स में, फेरिंजियल, वो इनवॉलेंट्री है. थर्ड स्टेज की एसोफेगस में जब ये चला जाता है तो वो भी इनवॉलेंट्री है. तो स्वेलिंग प्रोसेस में ओरल कैविटी के अंदर जो उसकी स्टेज चल रही होती है वो वॉलेंट्री है. फेरेंजियल और एसोफेजियल स्टेजेस ये दोनों इनवॉलेंट्री है. कैसे रेगुलेट हो रही होती है इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं. इन दिस एनिमेशन यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व द स्वेलिंग प्रोसेस. एज यू कैन सी लोअर साइड पे जो कैविटी इट्स ओरल कैविटी, अपर कैविटी जो नजर आ रही है बेटा ये सारी की सारी नेजल कैविटी है. ये जो फ्लैप्स नजर आ रहा है इट्स एपिग्लोटिस, इधर ट्रेकिया है और बैक साइड पे डोर्सल साइड पे एसोफेगस. ये फेज जो पहली फेज चल रही होगी इट्स अ एसोफेजियल फेज, सॉरी ओरल कैविटी की फेज है. इट्स अ फेज ऑफ इंजेस्शन और स्वेलिंग इन द ओरल कैविटी. अब नेक्स्ट जब ये फूड बोलस जैसे ही फेरिंग्स में पहुंचता है, जस्ट लुक एट दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को नोट कीजिएगा, द मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट. ये सारे का सारा एरिया इट्स सॉफ्ट पैलेट, इट इज कवरिंग द नेजल ओपनिंग, ये नेजल ओपनिंग को कवर कर लेता है. जस्ट हैव अ लुक अगेन कि जैसे ही फूड बोलस आगे मूव करेगा, फूड बोलस की नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ जैसे ही फॉरवर्ड मूव करता है तो सॉफ्ट पैलेट ये नेजल ओपनिंग को क्लोज कर देता है, जिसे हमने कल पढ़ा था सॉफ्ट पैलेट की जो प्रोजेक्शन है लाउड डाउनवर्ड, ये जो प्रोजेक्शन नजर आ रही है इस यूवियोला, इट क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी. और फिर ये फूड बोलस देखिए जैसे ही डाउनवर्ड मूव करता है फूड बोलस, इट इज गोइंग टू पुश द एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस की पोजिशन नोट करनी है आपने, इट्स एपिग्लॉटिस ओवर हियर. पहले ये वर्टिकल पोजिशन में, फिर ये फूड को डाइवर्ट करने के लिए इसकी पोजिशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, इट मूव्स इनटू द मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजिशन एंड कवर्स द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया एंड फूड इज डाइवर्टेड, फूड इज कन्वेड टुवर्ड्स, लुक एट दिस, ये पोजिशन चेंज आएगी. इन फूड फूड हो या वाटर हो, दोनों इस तरह से जो है उनको एपिग्लॉटिस डाइवर्ट करेगी टुवर्ड्स एसोफेगस. इट्स द नॉर्मल स्वेलिंग स्टेज. इसके दौरान हमारे ट्रेकिया के मसल भी हेल्प करते हैं, ट्रेकिया ऑल्सो मूव्स अपवर्ड, वो भी जो है वो अपवर्ड मूव करेगी. और इसके साथ साथ तो इसके साथ साथ दूसरे जो मसल्स हैं, दूसरे जो पोर्शंस हैं लाइक ग्लॉटिस मसल्स, वो भी कंट्रैक्ट करते हैं, वो भी असिस्ट करेंगे, वो भी हेल्प करेंगे. ग्लॉटिस मसल्स के अलावा इसमें जो आप कह लें कि ट्रेकिया की अपवर्ड मूवमेंट होती है, इवन आप स्लाइवा भी इंगल्फ करते हैं, स्वेलो करते हैं, तो उसमें भी आप ट्रेकिया की अपवर्ड मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं. वो इसलिए होता है ताकि एपिग्लॉटिस जब डाइवर्ट होकर उसको कवर कर रहा है तो क्लोजर मैक्सिमम हो जाए, ट्रेकिया भी थोड़ा सा अपवर्ड मूव करेगा, सो दैट क्लोजर मे बी मैक्सिमाइज्ड. फिर नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आता है बेटे ये फेरिंग्स के बाद, वो है एसोफेजियल पोर्शन. ये भी उन्हीं पाथवे को शो कर रहा है, एयर का पाथवे और फिर ऑरल कैविटी के अंदर जो स्वेलिंग की स्टेजेस हैं उसको यहाँ पे शो किया गया है कि फेरिंग्स के अंदर फूड जब जाता है तो एपिग्लॉटिस की पोजिशन और ट्रेकिया, ट्रेकिया भी थोड़ा सा अपवर्ड मूव करता है ताकि जो क्लोजर है वो मैक्सिमाइज हो सके और फूड पार्टिकल ओरल पाथवे से एसोफेगस की तरफ जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द
ट्रेकिया के ट्रेकिया के अंदर कोई पार्टिकल्स पास ना करे। एसोफेगस ये हमारे पास ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है विच पासेस दिस फूड टू द स्टमिक और पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन से फूड यहाँ पहुंच जाएगा स्टमिक में। एसोफेगस के अंदर म्यूकस के अलावा कोई और सिक्रीशन एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट ऑरल कैविटी के बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा इट इज कंप्लीटेड इन द स्टमिक। एंड स्टमिक यू नो इट्स अ मस्कुलर डिस्टेंसिबल एक्सपेंडेबल सैक लाइक स्ट्रक्चर इज हैविंग थ्री मेन फंक्शंस। एक तो स्टमिक का फंक्शन यह है कि फूड को स्टोर करता है जिससे डिसकॉन्टिन्यूस फीडिंग पॉसिबल होती है। हम एक दफा फूड इनटेक करने के बाद विदाउट फीडिंग जब तक वो फूड स्टोर रहता है हम जो है वो सर्वाइव करते हैं, फूड उस फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। सेकंड मिक्सिंग कर रहा होता है फूड की विच इज कमिंग फ्रॉम द एसोफेगस। इट ऑल्सो सिक्रीट सम एंजाइम्स फॉर एग्जाम्पल वेन नाउन एंजाइम इज पेप्सिनोजिन विच इज कन्वर्टेड इंटू पेप्सिन। म्यूकस सिक्रीट करेगा जो थिक म्यूकस लेयर इसकी अपनी कवरिंग को प्रोटेक्ट कर रही होती है, अपनी वॉल को प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम। और एक सिक्रीशन इसकी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में होती है जो बाद में इसकी कैविटी में स्टमिक के ल्यूमेन में जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। और आपको पता है HCl इट मेंटेन्स एसिडिक पीएच ओवर हियर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन एंजाइम। It also helps in the control the rate at which food moves into the small intestine via pyloric sphincter. दो sphincter हैं, दो thickened area यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। एक upper end पे बेटे that's known as cardiac sphincter और it is known as lower esophageal sphincter as well. Second sphincter is pyloric sphincter or pylorus। ये हमारे पास pyloric region के बाद बिल्कुल उसके end पे मौजूद होगा। स्टमिक का पहला रीजन अपर रीजन कार्डियक रीजन कहलाता है, लोअर पार्ट इज पाइलोरिक रीजन और इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज ड्यूडेनम एंड इट्स द मेन बॉडी ऑफ द स्टमिक। ये स्टमिक की जो है वो मेन बॉडी है। बाकी इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेयर्स की बिल्कुल वैसे ही है जो कल हमने डाइजेस्टिव ट्रैक के हवाले से डिस्कस किया था कि आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, मिडल मसल्स स्मूथ मसल दैट मे बी लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, एक एडिशनल यहाँ पे ऑब्लिक लेयर भी होती है मसल्स की और इनर मोस्ट सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा विच आर इन्वॉल्व्ड इन स्पेशली म्यूकोसा विच इज इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो आपके पास डायग्राम शोन है बॉडी ऑफ स्टमक में किसी एक पॉइंट से एक फ्रैक्शन को एनलार्ज किया गया दैट इज बेसिकली एनलार्जमेंट ऑफ म्यूकस लेयर। ये म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा लेयर की एनलार्जमेंट है, इसके नीचे जो है वो म्यूकोसल मसल्स नजर आ रहे हैं और फिर सब म्यूकोसा। बेटा अगर म्यूकोसल सेल्स को देखें तो इसमें कुछ पिट्स बने हुए हैं, घड़े से बने हुए हैं विच आर नाउन एज गैस्ट्रिक पिट्स। और गैस्ट्रिक पिट्स के साथ सराउंडिंग में सेल्स की एक लेयर आपको नजर आ रही होगी। मोस्ट ऑफ द सेल्स दे आर चीफ सेल्स और जाइमोजन सेल्स विच आर गोइंग टू सिक्रीट पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पेप्सिन एंजाइम। फिर पेराइटल सेल्स होते हैं विच आर ऑल्सो नाउन एज ऑक्सेंटिक सेल्स, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस HCl। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स भी मौजूद हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम जनरली भी कहते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं लाइक पैराइटल चीफ सेल्स, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। लेकिन कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स भी इसमें होते हैं और म्यूकस सेल्स विच आर गोइंग टू सिक्रीट म्यूकस ओवर हियर। तो बेटा ये हमारे पास स्टमक का स्ट्रक्चर है। It's made up of an inner mucous membrane containing thousands of gastric glands as shown on the right side. ये हमारे पास gastric pits है और इसके अंदर ये सारे के सारे जो cells हमने discuss किए, these are the cells of gastric gland. Parietal cell मैंने बताया, HCl, chief cells, pepsinogen and both of these cells are in the pits of gastric glands. ये pits के अंदर गड़ों में invagination में नजर आएंगे. And the surface of the mucous membrane at the opening of the glands contain numerous mucus cells. Jo surface cells hain end pe, yahan pe mucus cells abundantly present honge because they are going to secrete mucus that coats the surface of stomach and protects it from the effect of HCl as well as other digestive enzymes such as pepsin. Uski jo hai wo secretion se ya uski jo activity usse protect karegi stomach. It's another structure which is showing gastric pits, secretion of pepsinogen from zymogen cells,
और पेप्सिनोजेन एक्टिवेट कैसे होता है, जब ऑक्सेंटिक सेल पेराइटल सेल से HCl प्रोड्यूस होती है और वो पेप्सिन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगी। ये जो डाउनवर्ड एरो बैकवर्ड एरो है, इस चीज को शो कर रहा है कि पेप्सिन पॉजिटिव फीडबैक भी एग्जर्ट करता है। अगर ऑलरेडी एक्टिव पेप्सिन मौजूद हो तो वो भी पेप्सिनोजिन की कन्वर्जन पेप्सिन में करवाने के अंदर हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन ऑल्सो, कि पेप्सिन भी एक्टिवेट करता है और HCl भी एक्टिवेट कर रहा होगा। द सर्फिसेस ऑफ द अपर GIT tract, the esophagus and mouth, they have much thinner mucus. Unki mucus thin hai and stomach is having thick layer of mucus, which is why during vomiting or chest ke andar jab backflow hota hai, jise hum kehte hain heartburn ya pyrosis, uske dauran burning sensation hame esophagus mein ya mouth mein to feel hogi wo HCl ki wajah se, lekin stomach mein is wajah se feel nahi ho rahi ki stomach ke andar हमारे पास एक थिक लेयर मौजूद है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है म्यूकस। देयर आर सर्टेन, ये तो सारे एक्सोक्राइन हम बात कर रहे थे ना, साथ मैंने बताया कि एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं स्टमक के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, और दिस हार्मोन्स इंक्लूड गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन अगर स्टमक की म्यूकोसा से प्रोड्यूस होता है, इट ट्रेवल्स टू द टारगेट सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ही एक्टिवेट करेगा पेप्सिनोजेन सेल्स प्रोड्यूसिंग सेल्स को, HCl प्रोड्यूसिंग सेल्स को, ताकि वो HCl और पेप्सिन जिसको हम मिला के कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। जैसे ही बेटा फूड एंटर होता है ना स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर जैसे ही फूड एंटर होगा, तो अगर ये एंट्रम या पाइलोरस रीजन में जाके हिट करता है, तो फूड में अगर प्रोटीन मौजूद है, दैट प्रोटीन विल स्टिम्युलेट द गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो अल्टीमेटली गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करवा रहा है। इसके अलावा फूड एंटर होने के बाद स्टमक वॉल की डिस्टेंशन भी होती है। इट ऑल्सो कॉजेस द गैस्ट्रिक पिट्स टू सिक्रीट HCl एज वेल एज पेप्सिन या पेप्सिनोजेन। द H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयंस एंड दे कॉज पेप्सिनोजेन टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम दैट इज पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, इट कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। प्रोटीन्स की कंप्लीट डाइजेशन की बजाय पार्शियल डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर। व्हाई पेप्सिन म्यूकस एंड HCl दे मिक्स विद एंड बिगिन टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, स्मूथ म्यूकोसल मसल्स, दे आल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड विगरेसली चर्न एंड मिक्स द फूड बोलस। किस फूड बोलस को या जो भी फूड यहाँ पे एंटर होता है उसको मिक्स भी किया जाएगा, चर्निंग भी होगी उसकी, टू एंड फ्रो मूवमेंट। अबाउट 3 to 4 आवर्स आफ्टर अ मील द स्टमक कंटेंट्स हैव बीन सफिशिएंटली मिक्स्ड एंड आर असेंबल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी लिक्विड मैस नाउन एज काइन। स्टमक के अंदर आफ्टर डाइजेशन ऑफ द स्टमक जो सेमी लिक्विड मैस है उसको हम नाम देंगे बेटा एसिडिक फूड को, लिक्विड लाइक फूड को काइम, और काइम पाइलोरिक रीजन से पाइलोरिक स्फिंक्टर से रिलीज होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्रॉपलेट बाय ड्रॉपलेट या थोड़ा थोड़ा जो है वो फॉर्म्स में मूव करेगा नेक्स्ट इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम। व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी पेरिस्टाल्टिक वेव ऑफ कंट्रैक्शन वो तो चल रही होती है साथ साथ, पेरिस्टाल्टिक वेव्स स्टमक एम्प्टी में सीज भी कर सकते हैं, लेकिन जब एम्प्टी स्टमक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा, फॉर एग्जांपल अबाउट 10 आवर्स ऑफ फास्टिंग, न्यू वेव्स मे अकर इन द अपर रीजन ऑफ द स्टमक एंड दीज वेव्स मे कॉज हंगर पैंग्स एज सेंसरी नर्व फाइबर्स कैरी इंपल्सेस टू द ब्रेन। कि इंपल्सेस एम्प्टी स्टमक में जो पेरिस्टाल्सिस की वेव्स चलती हैं, these peristaltic waves they may cause a painful sensation that is called hunger pang. normally se aap jo hai wo keh rahe hote hain ki pet mein chuhe dod rahe hain ya pet jo hai usme dard ho rahi hai jab bhook ki wajah se, that is hunger pang, painful sensation hogi. next part hai hamare paas beta small intestine. jab food stomach se small intestine mein jata hai to small intestine mein na sirf itself small intestine ke enzyme digestion karenge बल्कि पेंक्रियास और लिवर जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन भी ड्यूडेनम में ऐड होती हैं और यहां पर ही सिक्रीशन होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्गर पार्ट 6 to 7 meters ऑन द एवरेज इसकी लेंथ है एक एडल्ट में आफ्टर एटोप्सी। और मेरे बेटे इसका जो एरिया है दैट इज अबाउट 300 meters square, ये इक्वल होता है साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, इतना ज्यादा एरिया जो है वो ये कवर कर रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन।
On the circular fold, thousands of finger-like projections, they are present, called villi. They project from each square centimeter of the mucosa. ये हमारे पास अगर small intestine के हवाले से आप portion देख सकें कि small intestine में हमारे पास three portions होते हैं. First part duodenum, फिर jejunum और perineum. और अगर small intestine के अंदर projections देखी जाएं, there are multiple circular folds as shown in the first diagram. And these circular folds, they have also numerous projections over them. These projections, they are known as villi. और इन villi में से अगर बेटा हम एक villus को enlarge करते हैं, ये तुम्हारे पास होगी ना, बाकी layers, serous layer, muscles और muscular layer जो है, सब mucosa. Mucosa की इन foldings हैं जिसके अंदर villi मौजूद हैं. Villi are these smaller projections. और ये जो projection बड़ी नजर आ रही है बेटा, ये हैं आपके पास intestinal infolds, circular folds के अंदर. अब villi को अगर आप देखते हैं enlarged structure में, एक villus को सिर्फ अगर हम enlarge करके देखें, single villus, तो इसमें बेटा outermost layer होती है simple columnar epithelium की layer. Outermost layer is the simple columnar epithelium. और इसके underlying आपको नजर आएंगी blood capillary. ये रेड और जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई है. और इनर मोस्ट जो आपको एक नजर आ रही है वेसल, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज लिम्फ वेसल, व्हिच इज आल्सो नोन एज लैक्टियल. और बेटा जब एब्जॉर्प्शन होती है सब्सटेंसेस की, तो एब्जॉर्प्शन का पाथवे यही होता है. लेकिन ये जो आप एरो देख रहे हैं इस डायग्राम के, अपवर्ड एरो, कि अगर इतना सा एरो एनलार्ज कर दिया जाए सिर्फ एपिथेलियल सेल को, इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ अगर देखें, तो इसमें विलाय के ऊपर फर्दर माइन्यूट प्रोजेक्शंस नजर आती हैं, स्मॉलर प्रोजेक्शंस. दीज स्मॉलर प्रोजेक्शंस दे फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया. पहले इंटेस्टिनल फोल्ड्स थे, फिर विलस था, और विलस के ऊपर ये माइक्रो विलाय. दीज आर द एपिथेलियल सेल्स. एपिथेलियल सेल्स की प्रोजेक्शंस, सेलुलर प्रोजेक्शन, दीज आर नोन एज माइक्रो विलाय. ये इसका सरफेस एरिया जो है वो काफी हद तक बढ़ा देते हैं. पहला पार्ट आपने पढ़ा कि ड्यूडेनम होता है, सेकंड पार्ट जिजिनम है, और थर्ड पार्ट जो है वो इलियम है. ड्यूडेनम जिजिनम में डाइजेशन होती है, बट मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इट अकर्स इन द इलियम. इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट. ड्यूडेनम जो पहला पार्ट होता है ना, सी शेप पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो तो जस्ट है एक 25 सेंटीमीटर, जबकि तकरीबन 2.4 जो मीटर लेंथ है वो जिजिनम की है, and remaining 3.6, 3.5, 3.7 वो ilium की length होती है. So most of the part of small intestine is actually ilium. Duodenum contains many digestive enzymes that intestinal glands in the duodenal mucosa secrete. कि duodenum जो first part है, उससे enzymes आएंगे. Plus pancreas also adds enzymes over here. Pancreas भी यहाँ पे जो है वो enzymes add कर रहा होता है duodenum के अंदर, as you can see over here. In this diagram, ये भी हमारे पास first part है duodenum. Duodenum का portion shown है, small intestine का, and pancreas. Pancreas से जो duct आती है, it is pancreatic duct. जबकि bile duct भी यहाँ पे आके combine करती है इसके साथ, and both of them they open through a sphincter in duodenum, first part of small intestine. Pancreas और हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट. और स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी, यहाँ पे एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसके थ्रू ये बाइल के कंटेंट्स और पेंक्रियाटिक जूस के कंटेंट्स ऐड किए जाते हैं मेरे बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज ड्यूडेनम. तो हम विलस के अंदर एब्जॉर्प्शन की मेन पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि मेनली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे होती है. ड्यूडेनम में डाइजेशन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, एंड मोस्ट ऑफ द लिपिड्स दे आर आल्सो डाइजेस्टेड ओवर हियर. जिजिनम एंड इलियम दे आर मेनली कंसर्न्ड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. जिजिनम में भी कुछ डाइजेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल जो डाइपेप्टाइड्स है उनकी फर्दर ब्रेक डाउन, या डाइसेक्राइड्स है उनको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना है. तो जिजिनम से भी कुछ एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, इट इज कंप्लीटेड इन द ड्यूडेनल पार्ट. Amino acid, simple sugar, fatty acids, glycerol, nucleotides and water, they are absorbed
in the small intestine, and much of this absorption involves active transport as well as sodium dependent ADPase pump. Lekin passively transport bhi ho sakti hai saath saath. Sugars and amino acids, they are absorbed into the capillaries of the villi. Direct idhar dekhiye, capillaries ke andar absorption ho jayegi. But fatty acids, which are having larger size, fatty acid agar unka larger size hai, some of the fatty acid, they may also get into the blood capillaries directly. Lekin jo larger, aap keh lein ke lymph vessels hain, jo larger hamare paas size ke fatty acid hai, they get into the lacteal. Wo blood ki bajaye pehle lymphatic system mein enter honge. And how are they converted? Sugars and amino acids, they are directly absorbed, but fatty acid enter the epithelial cells first. Ye hai bhi epithelial cell outer. They recombine to form triglyceride, and these triglyceride, they are taken up by the lymphatic system. Lymphatic system mein jaake kya karenge ye? Lymphatic system mein triglyceride proteins ke saath, lipid jo hai na, lipid absorption, lipid jaake proteins ke saath mil jayenge. Aur wo jo chote chote droplets banenge, inko hum naam dete hain chylomicrons, which enter the lacteals of villi. You can observe chylomicrons over here. हमारे पास ये जो आपको नजर आ रही है ना बेटा शेप, ये हमारे पास लिपोप्रोटीन्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है. इसमें मेन पोर्शन आप देख रहे हैं लिपिड्स का है, और कुछ एम्बेडेड प्रोटीन्स भी हैं, मेन फॉस्फोलिपिड्स, अदर ट्राइग्लिसराइड्स प्लस प्रोटीन्स. इनको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स और काइलोमैक्रॉन्स. ये काइलोमैक्रॉन्स के पार्टिकल्स ये एब्जॉर्ब होंगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अगर लिपिड एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो. फ्रॉम द लैक्टियल्स, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल है, हमने लिम्फेटिक सिस्टम पहले डिस्कस किया, द काइलोमैक्रॉन्स दे मूव इनटू द लिम्फेटिक्स एंड इवेंचुअली इनटू द ब्लड स्ट्रीम फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी. बिसाइड्स एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स वॉटर एंड डिजॉल्व मिनरल आयंस. ये वॉटर भी एब्जॉर्ब करती है और मिनरल आयंस भी. And the small intestine absorbs 9 liter of water per day. ये इसकी ability है. And large intestine absorbs the rest. जो remaining water contents होंगे, वो large intestine भी cover कर रही होगी. Large intestine में भी water और कुछ salts की absorption होती है. Large intestine के हवाले से हम discussion करेंगे further, but you have to see another animation over here, which describes the functions of digestive tract. और large intestine, you know, unlike स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको लार्ज क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज इट्स अ डायमीटर लार्ज है. इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, 1.5 टू 2 मीटर. जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ आपने देखा 6 टू 7 या बाज़ 7 टू 8 मीटर तक भी हो सकती है. जेजिनम, इलियम, ड्यूडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं. ड्यूडेनम का पार्ट इधर मौजूद था और ये जेजिनम और इलियम यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के इनसाइड शोन है. अब अगर आप बात करते हैं कि द स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइंस द लार्ज इंटेस्टाइन नियर अ ब्लाइंड एंडिंग सैक द कॉल्ड सीकम और हाइंड गट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करती है, उस जगह पे एक स्फिंक्टर भी है, और स्फिंक्टर के साथ साथ आपने पढ़ा था एक वेल भी मौजूद होता है, स्फिंक्टर एज वेल एज वेल. ये जंक्शन पॉइंट है बेटा इनका. जस्ट लुक एट दिस. इलियम का पार्ट, लास्ट पार्ट लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का, जब ये इसको ज्वाइन करता है तो यहाँ पे एक वेल्व भी है, दैट इज फोर्थ वेल्व. पहले एसोफेजियल पढ़ा आपने, फिर अपर जो पार्ट था स्टमक का जिसे हमने कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दिया वो पढ़ा, फिर था लोअर पार्ट में दैट वाज पाइलोरिक, एंड दिस वन इज फोर्थ वन. ये फोर्थ स्फिंक्टर कहलाता है, इलियोसीकल या इलियोकोलिक स्फिंक्टर इसको कहते हैं बेटा. ये इलियम के कंटेंट्स कॉलन में या सीकम के अंदर, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बाकी पोर्शन कॉलन कहलाता है, तो उसके अंदर ही ऐड करेगा. लेकिन एक यहाँ पे वेल्व भी मौजूद है, इस वेल्व को हम नाम देते हैं इलियोसीकल वेल्व. तो ये इलियम और सीकम का जंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन के बाद फूड बच जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अनअब्जॉर्ब फूड, वो कहलाता है काइल. उसको नाम देते हैं हम लोग काइल. जबकि स्टमिक के अंदर हमने नाम क्या दिया था कि स्टमिक में इसको कहते हैं काइम. यहाँ पे इसका नाम होगा बेटे काइल, विच इज एडेड इनटू द
लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अब इस फूड के साथ क्या करती है, कोलन का जो पोर्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन को अगर आप देखें ना तो बेटा इसमें थ्री मेन पार्ट्स या थ्री मेन पोर्शन नजर आ रहे होते हैं। एक है असेंडिंग कोलन, सेकेंड वन ट्रांसवर्स, एंड द नेक्स्ट वन इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डिसेंडिंग कोलन। तो तीन तरह के कोलन या पार्ट्स मौजूद हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। अपवर्ड मूविंग जो है वो असेंडिंग है, एक ट्रांसवर्स है और एक डाउनवर्ड गोइंग है, दैट इज डिसेंडिंग कोलन। फिर बेटे इसके हवाले से अगर आप देखें तो अपेंडिक्स का एक जिक्र आया यहाँ पे कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो लोअर पोर्शन होता है, एज यू कैन सी ओवर हियर, लार्ज इंटेस्टाइन इसके साथ जो सीकम का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इसके साथ एक ब्लाइंड एंडिंग स्ट्रक्चर मौजूद होगा। ब्लाइंड एंडिंग स्ट्रक्चर दैट इज ऑन द राइट साइड, ये है हमारे पास अपेंडिक्स। आप लोग जानते हैं अपेंडिक्स एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, and sometimes its inflammation may be problematic, and in certain surgical procedure it is removed. Or appendix, they are the storage site in certain other animals, and possibly represent evolutionary remains of a larger functional cecum, such as found in the herbivores. Herbivores ke andar jo appendix hai wo enlarged hai, as you can see the enlarged appendix in herbivores. To iska cellulosic digestion mein koi role ho sakta hai herbivores ke andar, ह्यूमन के अंदर ये हाईली रिड्यूस्ड है। ये ह्यूमन की अपेंडिक्स भी इधर शोन है बेटे, तो ह्यूमन अपेंडिक्स रिड्यूस्ड है जबकि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी अपेंडिक्स एनलार्ज्ड है, इंक्रीज्ड इन साइज है। अपेंडिक्स कंटेन्स एन अबंडेंस ऑफ लिम्फाइड टिश्यू एंड मे फंक्शन एज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एज वेल, ये इम्यून सिस्टम के पार्ट के तौर पर भी काम कर सकती है। वेल द मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दे इंक्लूड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर and minerals and formation as well as storage of feces. As peristaltic waves, they move food residue along minerals diffuse or are actively transported from the residue across epithelial surface of large intestine into the bloodstream, as we have observed in the previous slides. Water follows osmotically and returns to the lymphatic system and bloodstream. When water reabsorption is insufficient, जब water reabsorb नहीं हो रहा, वाटर ज्यादा फीसिस के साथ मूव कर रहा है बाहर की तरफ, दैट में रिजल्ट इन डायरिया, और अगर वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाए इट में आल्सो रिजल्ट इन द कॉन्स्टिपेशन, तो उससे कॉन्स्टिपेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। फिर बेटे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे में एग्जिस्ट सिम्बायोटिकली, स्पेशली बैक्टीरिया, दे फीड ऑन फूड रेजिड्यू एंड फर्दर ब्रेक डाउन इट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू वेस्ट प्रोडक्ट। In turn, they secrete certain vitamins such as vitamin K, which is required for blood clotting later on. Usme required hai, which the host gut absorbs. And what remains, feces, is a mixture of bacteria, fungi, undigested plant fiber, and sloughed off intestinal mucosal cells, as well as other waste product, which are removed out through anus. और एनएस में दो तरह के स्फिंक्टर्स होते हैं, आखिरी जो दो स्फिंक्टर्स हैं हमारे पास, एक स्फिंक्टर कहलाता है हमारे पास आउटर दैट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, और दूसरा इनर होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इट्स एन एनिमेशन विच समराइजेस द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी फूड इज बीइंग टेकन इनटू द ओरल कैविटी एंड इज बीइंग इंजेस्टेड, ये मूवमेंट हम पहले भी देख चुके। एपिग्लॉटिस कवर्स द trachea and food moves into the esophagus. Esophagus mein just kuch mucus vagaira add hogi, aur ye cardiac sphincter hai, ya jise hum kehte hain lower esophageal sphincter. Cardiac sphincter ya lower esophageal sphincter ke through food enter hoga stomach mein, aur stomach ke andar phir pepsin ya jo gastric juice hai iski further digestion cause karega. And after that food is absorbed, digested food in jejunum and ileum, and undigested food, ye pancreas aur liver zahir aapko pata hai help kar rahe hote hain for further digestion. इनका रोल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। एंड ओवर हियर प्रेजेंस ऑफ विलाय, माइक्रोविलाय, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू लैक्टियल एज वेल एज ब्लड कैपिलरीज विच आर सराउंडिंग, ये फूड पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन शो की गई है इन टू द ब्लड एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द रिस्पेक्टिव सेल्स। एंड लेटर ऑन लार्ज इंटेस्टाइन इट रिमूव्स